तो इधर सुधा डेयरी रांची के द्वारा दही चूड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन भी शामिल हुए। तो सुधा डेयरी के अधिकारी, रिटेलर, डीलर व कई कर्मचारियों ने इस आयोजन में शिरकत किया और दूध, दही, चूड़ा, गुड़, तिलकुट, सब्जी खाकर एक दूसरे को मकर संक्रांति की बधाई देते हुए भी नजर आए। तो वहीं सुधा डेयरी रांची के चीफ एग्जीक्यूटिव राकेश कुमार ने कहा कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुधा डेयरी ने पिछले साल की अपेक्षा इस साल सुधा के बने प्रोडक्ट की बिक्री में इजाफा पाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोग बड़े चाव से हमारे सुधा के प्रोडक्ट, दूध, दही, पेड़ा, ऐसे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और कर रहे हैं। अभी टारगेट है कि इस साल पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा अचीव की जा सके। देखिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, प्रति वर्ष मकर संक्रांति के उपलक्ष में सुधा डेयरी रांची के द्वारा अपने सम्माननीय ग्राहकों को दही, दूध की जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से उनके ससमय उचित दर पर उनके मार्केट में उपलब्ध कराना ये रांची डेयरी की प्राथमिकता रहती है। और प्रतिवर्ष 14 जनवरी या 15 जनवरी, आजकल तो 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जा रहा है, इस वर्ष भी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व सभी जन के द्वारा मनाया गया है। तो हम लोग, क्योंकि 15 जनवरी हम लोग के लिए, डेयरी वाले के लिए सबसे बड़ा महापर्व होता है, क्योंकि इसमें दूध और दही की जो नॉर्मल डिमांड रहती है उससे कई गुना ज़्यादा मार्केट का डिमांड रहता है। जैसे दही इस साल हम लोग ने 50 टन दही की आपूर्ति मार्केट में किया है, जो पिछले साल से तकरीबन 15% ज्यादा है। और हम लोग का ये चैलेंज रहता है कि सही गुणवत्ता पे कस्टमर को दही उपलब्ध करा दें। साथ ही साथ जो पिछले साल का दूध जितनी सप्लाई किए थे, इस बार भी हमने करीब करीब 6 लाख लीटर दूध, 6 से 6.5 लाख लीटर दूध हम लोग ने सप्लाई किया है। तो इसमें हमारे जो ग्राहकों के पास हम लोग सही समय पर उच्च गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इसमें हमारे सभी जितने भी चैनल पार्टनर हैं, डेयरी के कर्मी, पदाधिकारी, कर्मचारी या जो भी कर्मी हैं, सभी का सहयोग रहता है। साथ ही साथ हमारे रिटेलर बंधु, ये इन लोगों का भी काफी योगदान इसमें रहता है, सक्रिय भूमिका रहती है कि वो दूध को सही समय पर दूध को दुकान को खोल करके और सम्माननीय ग्राहकों को दूध को और एवं दही की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। तो ये सफलता पूर्वक जब हम लोग मार्केट में सही ढंग से दूध और दही का इस तरह के आपूर्ति करते हैं, उसके बाद जो है कि परिणाम लोग एक लोग दो चार दो या तीन दिन बाद हम लोग सभी रिटेलर बंधु, डीलर बंधु या हमारे कर्मी सभी के साथ मिलकर के हम लोग यहाँ डेयरी के अंदर में चूड़ा दही का आयोजन करते हैं और सभी मिल बैठ करके हम लोग चूड़ा दही, परिणाम इसका चीनी, गुड़, तिलकुट, मेरा नाम सहनवाल सभी है। के साथ मिलकर के खाते हैं और इसका फिर आनंद उठाते हैं, जिससे एक सभी लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है कि हम लोगों ने जो काम किया उसमें अच्छा ढंग से सफल हुए और अगले वर्ष के लिए भी हम लोग अपने मानसिक स्तर को इस तरह से बना के रखते हैं कि आने वाले वर्षों में सुधा दही और दूध की जो मार्केट में डिमांड है, गुणवत्ता को अच्छा से अच्छा बनाए रखें और सही समय पर सही मूल्य पर उनको उपलब्ध कराएं। इसमें हमारे रिटेलर, डीलर और जितने भी कर्मी हैं सभी के सहयोग अपेक्षित रहती है।